बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट हमारा रह गया था सिस्टम यूनिट। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिस्टम यूनिट। चैप्टर नंबर टू हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर टू का पेज नंबर टू पे थर्ड टॉपिक है सिस्टम यूनिट। ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी जो अमूमन हम गलत प्रोनाउंस करते रहते हैं। मॉनिटर के साथ एक बॉक्स पड़ा होता है, हम उसे कहते रहते हैं ये सीपीयू है, जो टोटली एक रॉन्ग टर्म है। अगर आपसे कोई पता करता है ना, आप एक मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स उसकी जो कॉमन टर्म्स हैं वो कम से कम आपको लाजमी आनी चाहिए। तो अगर आप उसे सीपीयू कहते हैं, ये जो मॉनिटर के साथ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, दो शेप में होता है, हम इसे अगर सीपीयू कहना शुरू कर दे, ये एक बिल्कुल रॉन्ग टर्म है। इसका एक्चुअल नेम क्या है, ये सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू फिर क्या है, इसके अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड पे एक छोटी सी चिप लगी हुई है जिसे सीपीयू कहते हैं, जिसका साइज लेस देन 1 इंच होता है और जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी चिप है, वही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसकी मिसाल मैं ये दिया करता हूं कि जिस तरह इंसान की बॉडी है, मैं अगर पूछता हूँ ये क्या है, सर से पांव तक हम कहते हैं ये बंदे की बॉडी है, और अगर ये पूछा जाए इधर क्या होता है तो कहा जाता है ब्रेन है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो लोग कहना शुरू कर दें ये ब्रेन है। बॉडी को हम ब्रेन कहना शुरू कर दें तो ये टोटली एक गलत टर्म है। इस बात पे लास्टली थोड़ा सा ये आपने फोकस करना है। नॉर्मल जो आप प्रोनाउंस करते रहते हैं इसे सीपीयू, तो वो अगर आप बार बार ये कहते रहेंगे तो वो तो एक प्रैक्टिस में वर्ड आ जाएगा जो कि गलत है। तो हमने इसे कहना है ये सिस्टम यूनिट है। नॉर्मली भी मॉनिटर के साथ बॉक्स पड़ा हुआ है, सिस्टम यूनिट है जी, सिस्टम यूनिट है जी, अगर प्रोनाउंस करेंगे तो प्रैक्टिस बनेगी, तो आपकी ये जो जबान है इस पर ये वर्ड पूरा एक फिक्स हो जाएगा। फिर जहां पर भी हम इसे प्रोनाउंस करेंगे हम बिल्कुल ठीक बोलेंगे। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है ये क्या होता है। सिस्टम यूनिट इज लाइक अ बॉक्स। ये होता कैसा है, जैसे बॉक्स है, या हम इसे कह सकते हैं ये केसिंग है। इस तरह मोबाइल की केसिंग नहीं होती, पुराने ये जो छोटे नोकिया के मोबाइल हैं, बॉडी केसिंग, वो एक उतारे किसी और कलर के ऊपर एक और लगा दे, जिस केसिंग के अंदर उसके सारे कंपोनेंट फिक्स लगे हुए हैं, तो वो केसिंग एक बॉक्स सा बना हुआ है। सिस्टम यूनिट इज लाइक अ बॉक्स विच इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट शेप्स। इसकी दो शेप्स हैं, टू शेप्स। कौन कौन सी शेप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल शेप है और सेकंड वर्टिकल शेप है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप इस तरह से होगी और वर्टिकल इस फॉर्म में होती है। इनके प्रॉपर नाम है, हॉरिजॉन्टल शेप को कहा जाता है ये डेस्कटॉप केसिंग है, डेस्कटॉप केसिंग। अब यहां पर वर्ड भी आ गया केसिंग का, इट मींस ये एक तरह का बॉक्स है, एक केसिंग है। तो हॉरिजॉन्टल शेप इज कॉल्ड डेस्कटॉप केसिंग एंड वर्टिकल शेप इज कॉल्ड टावर केसिंग। सिस्टम यूनिट की दो शेप्स हैं, एक
हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट इज लाइक अ बॉक्स विच इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट शेप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेप। हॉरिजॉन्टल शेप इज आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप केसिंग एंड वर्टिकल शेप इज आल्सो कॉल्ड टावर केसिंग। And all the basic components of computer like hard disk, RAM, ROM and CPU are attached in it. कि जितने भी computer के basic components हैं, RAM हो गई, ROM, even CPU भी इसके अंदर लगा होता है। तो ये body of computer कहेंगे हमें से क्या कहेंगे? Body of computer, casing of computer। तो CPU जिसे हम गलती से इसी कोई सीपीयू कह रहे होते हैं, सीपीयू बजाते खुद इस केसिंग के अंदर ही लगा होता है। तो जितने भी कंप्यूटर के बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इस केसिंग के अंदर फिट हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो ये सिस्टम यूनिट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इसी के अंदर से एक और टॉपिक बनेगा, मदरबोर्ड। लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट का सबसे अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपने देखा हुआ भी होगा जब सिस्टम यूनिट की केसिंग के ऊपर एक वो ढक्कन सा लगा होता है, उसे हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमारी नजर पड़ती है नीचे एक सर्किट बोर्ड बना हुआ है। उसी सर्किट बोर्ड के ऊपर जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, रैम, रॉम वगैरह वगैरह, ये सारे उसी मदर बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। फिर ये जो बोर्ड हमें नजर आती है जिनमें हम ये माउस, की बोर्ड वगैरह अटैच कर रहे होते हैं, वो बोर्ड्स भी उसी मदर बोर्ड के साथ अटैच होती हैं। इसका मतलब अगर मैं कीबोर्ड अटैच कर रहा हूँ तो वो अटैचमेंट पॉइंट मुझे कौन सी चीज दे रही है? मदर बोर्ड ही वो अटैचमेंट पॉइंट मुझे दे रही है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी मदर बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, और उन डिवाइसेस के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी मदर बोर्ड के थ्रू होती है। तो मदर बोर्ड ये सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का बना होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, मदरबोर्ड किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है? सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, और जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसी के ऊपर लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होते हैं। चाहे वो इंटरनल डिवाइसेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। इंटरनल कौन सी? जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई है, मदरबोर्ड में फिक्स। एक्सटर्नल वो वाली जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो मदरबोर्ड में फिक्स नहीं लगती, जो किसी केबल के जरिए अटैच हो रही है। तो जितनी भी इंटरनल डिवाइसेस हैं चाहे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये इसका एक सबसे सिस्टम यूनिट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है सिस्टम यूनिट का। इसके बाद एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो ऑलरेडी जो रमजान में क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सीरीज हुई थी उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की थी। उसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स और जितने भी कंप्यूटर के अंदर होने वाले ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हम ऑलरेडी रमजान वाली जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है उसमें कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज सीपीयू,
एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ये साथ में कराता हूं सीपीयू क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं। तो आज उसका पार्ट वन हम पढ़ेंगे सीपीयू का इंट्रोडक्शन, और कल पार्ट टू इसके जो पार्ट्स दोनों हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्हाट इज सीपीयू, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे ये टॉपिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, जिससे हमें इजीली इस बात का पता चल जाएगा कि सिस्टम यूनिट टोटली एक अलग टॉपिक है और सीपीयू क्या है वो टोटली एक अलग चीज है। तो फिर हम इसे प्रोनाउंस भी सीपीयू नहीं करेंगे। तो सीपीयू क्या है, सबसे पहले तो इसका स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कहा जाता है ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या मतलब है, इसका मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ सीपीयू इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। सीपीयू का बुनियादी मकसद क्या है, डेटा को कन्वर्ट करना और क्या बना देना इंफॉर्मेशन। तो अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पे गौर करें तो उसका ये काम है डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी की बात करता हूं कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे के बाजू नहीं है फिर भी वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन अगर दिमाग किसी का, ये जो पागल फिर रहे होते हैं हम कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, इट मींस उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो जितना भी सिस्टम है वो सारा इंसान का रुक जाएगा, उसे कोई पता नहीं मैं कब मैंने खाना है, क्या पहनना है, क्या काम करना है, कोई उसे आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर कोई और पार्ट, किसी की आंखें नहीं है वो भी काम तो कर रहे हैं, जिंदा भी है, किसी का कान एक नहीं है या किसी के बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, तो वो बाकी निजाम चल रहा होता है। लेकिन अगर सीपीयू नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो फिर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। ब्रेन नहीं है इंसान में तो वो कोई काम नहीं कर सकेगा। तो ये सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसका पर्पस इट इज यूज टू प्रोसेस डेटा into useful information। इसका काम है डाटा को प्रोसेस करके क्या बनाना, यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीपीयू, तो हम यही कहेंगे द बेसिक पर्पस ऑफ सीपीयू इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। तो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग का जितना काम है वो सारा इसी की मदद से ही करना है। तो है क्या, होता कैसा है, दिखने में कैसा नजर आता है, एक छोटी सी चिप है, स्मॉल चिप। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है कि सबसे पहला सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये तो एक इसका भी मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम है सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के हैं, क्यों, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जो प्रोसेसिंग के लिए चीज इस्तेमाल हो रही है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम भी सीपीयू होता है। ये बना कब था, 1971 में डिवेलप कब हुआ था, बना कब था, 1971 में। फिर बनाया किसने था, टेड हॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसे बनाया था।
सीपीयू को टेड हॉफ ने बनाया था, किस के लिए बनाया? इंटेल वालों के लिए। अभी भी अगर हम कंप्यूटर लेते हैं तो एक स्टिकर सा लगा होता है हमारे सिस्टम यूनिट के फ्रंट पे, उस पे लिखा होता है इंटेल। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ हुआ है वो इंटेल वालों ने बनाया हुआ है। तो इसने टेड हॉफ ने ये इंटेल वालों के लिए बनाया था और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया था इंटेल 4004। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया था इंटेल 4004, जिस पर आजकल हम कह सकते हैं कि उसका नाम है दी कोर टू ड्यू नाम पड़ गया। ये पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ये इससे थोड़ी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और ये छोटी सी चिप है, कितनी लिखा हुआ है कि इसका साइज लेस देन 1 square inch। ये इतनी छोटी चिप है, इसका साइज 1 square inch से भी कम है। हम ये जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं इनके अंदर भी प्रोसेसर लगे हुए हैं, वो तो और भी छोटे साइज के हैं। तो साइज भी ये बहुत ही एक छोटी सी डिवाइस है। और क्या सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है सीपीयू का जो यूज है, क्या सिर्फ ये कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हमने घर में माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर भी ये सवाल हो रहे हैं किस तरह से किसी चीज को गर्म करने या बनाने के लिए भी ये सवाल हो सकते हैं। मैं 2 मिनट पे लगा के चला जाता हूँ, 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। किसने बंद कराया? उनके अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। वो इंस्ट्रक्शन हमने दी कि जब इतने टाइम पे हम लगाएंगे इसके बाद उसे ऑफ कर देना है, वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करके जो हमने कमांड दी कि 2 मिनट के बाद उसे बंद करना है वो ऑटोमेटिकली उसे बंद कर देते हैं। तो ये माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर सवाल हो रहे हैं। रिस्क वॉच आजकल हमने वो स्मार्टफोन वाली घड़ियां भी पहनी हुई है, उनके अंदर भी ये सवाल हो रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियां वगैरह आजकल वो व्हील में ट्रैकर चिप्स लगी हुई है या फिर बैटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होती है, तो वो भी सारा सेटअप जितना भी है वो सीपीयू ही कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोसेसर ही उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स है। अब एक बार ये समझने वाली है कि इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं उनके लिमिटेड काम है, और ये सिर्फ टाइम को कंट्रोल करेगा, इधर भी सिर्फ टाइमिंग वगैरह कुछ ऑप्शन है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। जो कंप्यूटर्स के अंदर लगा हुआ है उससे प्रोग्रामर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसके मुताबिक बहुत सारे काम कर सकता है। तो कल इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स लिखे हुए, ए एंड यू एंड सी यू। थैंक यू सो मच।